हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कहीं भी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में या ज़्यादातर कोचिंग क्लासेज में जो इंग्लिश सिखाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि वो टेंस से शुरू करते हैं और उसको ही वो बेसिक बोलते हैं। बट ये दिस इज़ रॉन्ग। टेंस के पहले भी बहुत कुछ आता है, सीखने के लिए बहुत कुछ होते हैं जिनको हम बेसिक बोलते हैं। और आपने अगर मेरा शुरू से वीडियो देखा होगा तो शुरू से जो वीडियो मैंने डाला स्टेप वन में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फाइव, हर स्टेप में 25 वीडियोज डाला हुआ है उसमें। तो वीडियो क्लास नंबर वन, क्लास नंबर टू, ऐसा करके देख सकते हैं आप। तो उसमें बहुत सारे वीडियो, मैंने मोर देन 90 वीडियो मैंने सिर्फ बेसिक का डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक में क्या कुछ पढ़ने के लिए होता है और उसके बाद टेंस शुरू किया गया है। तो आज हम वही सीखेंगे कि बेसिक इंग्लिश में और टेंस में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, बेसिक इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक इंग्लिश जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है क्या। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे कोई पूछता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है क्या, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो बेसिक मतलब क्या, आज हम वही सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बेसिक के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध क्रिया से नहीं होता है। वहाँ पर सब्जेक्ट का कुछ करना या धरना नहीं बताया जाता है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या किया है या करने वाला है या कर चुका है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। उसमें हम बेसिक बोलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपको कि वह एक किसान है, ठीक है, वह एक किसान है। तो वह एक किसान में इसको अगर हम बनाते हैं तो ही इज अ फार्मर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वह सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट का संबंध इसमें क्रिया है कहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट को कुछ करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है। मीन्स किसी भी काम से इसका संबंध नहीं है, वह एक किसान है बस। तो दिस इज बेसिक सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसका इस्तेमाल हम एडवांस के लिए करते हैं यानी टेंसेस के सेंटेंसेस के लिए, कि वह खा रहा है तो हो जाएगा ही इज ईटिंग। ओके फ्रेंड्स, ही इज ईटिंग, वह क्या कर रहा है, वह सब्जेक्ट है यहाँ पर, ही इज अ सब्जेक्ट, तो वह क्या कर रहा है, खा रहा है। मीन्स वह ईटिंग से संबंध रखता है, मतलब क्रिया का संबंध डायरेक्ट सब्जेक्ट से है, यानी सब्जेक्ट कुछ कर रहा है इसमें, यानी क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसमें कुछ करते हुए बताया गया है, इसके लिए ये एडवांस कोर्स का सेंटेंस हो गया, मीन्स बेसिक सेंटेंस नहीं हुआ। सिंपल आप बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस आप पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाना अगर सीख गए तो आपको एडवांस यानी कि जो टेंसेज वाले सेंटेंसेज होते हैं वो सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बेसिक में सब कुछ बता दिया है। हैज़ हैव का इस्तेमाल, डू डज का, डिड का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल, शुड मस्ट, सारे इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ। वो सारे के सारे बेसिक है। बेसिक में और एडवांस कोर्स के सेंटेंसेज में यही फ़र्क होता है कि बेसिक सेंटेंसेज में सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध क्रिया से नहीं होता या क्रिया उसमें होता ही नहीं है। अगर क्रिया होगा भी तो डायरेक्ट संबंध नहीं होगा। अगर टेंसेज का सेंटेंस होगा एडवांस कोर्स का तो उसमें क्रिया का संबंध सब्जेक्ट से ज़रूर रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट यानी विषय जो होता है, इसका जो मेन होता है सब्जेक्ट कहलाता है, उसका संबंध क्रिया से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम वाज वेयर से एक सेंटेंस बनाते हैं। वे लोग डॉक्टर थे, तो वे लोग डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। ठीक है, अगर ये हो गया बेसिक का, इसमें दे का संबंध किसी क्रिया से नहीं है, कोई क्रिया है ही नहीं उधर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लिखते हैं कि वे लोग खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग। ओके फ्रेंड्स, दे वर प्लेइंग, यहां पर जो दे है, दे सब्जेक्ट है और इसका डायरेक्ट संबंध क्रिया से यानी प्लेस हो रहा है, मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये हो गया एडवांस सेंटेंसेस, मीन्स टेंस के सेंटेंसेस, ये बेसिक नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम शैल विल का इस्तेमाल करते हैं। वह डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर।
ठीक है। तो यहां पर कुछ करने या धरने की बात नहीं बताई जा रही है, सिर्फ बनने की बात, वह डॉक्टर बनेगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट का संबंध क्रिया से नहीं है। अगर हम इसका विल का संबंध करते हैं टेंस के सेंटेंसेस से, तो वह मुंबई जाएगा। ही विल गो टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, इसका ये सेंटेंस हो गया टेंस वाला। इसमें सब्जेक्ट ही है और ही का संबंध गो से है। कौन मुंबई जाएगा? वह मुंबई जाएगा। ही विल गो टू मुंबई, वो कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। इसमें क्रिया क्या हो गया? जाने का काम हो गया, गो हो गया। तो इसका संबंध डायरेक्ट होता है। तो ये टेंस वाला सेंटेंस हो गया। अभी नीड का है, उसे पेन की जरूरत है। तो ही नीड्स अ पेन। ओके फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट, इसमें कोई क्रिया नहीं है, सब्जेक्ट का कोई भी संबंध क्रिया से नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी बेसिक सेंटेंस। उसे जाने की जरूरत है। यहां पे हो गया ही नीड्स टू गो। यहां पर किसको जाने की जरूरत है? ही, उसे। तो गो से संबंध हो गया इसका। तो ये हो गया एडवांस सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, अभी हो गया हैज है, उसके पास पैसे हैं। तो ही हैज मनी, ही हैज मनी। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हैज है का हम इस्तेमाल अगर हम एडवांस सेंटेंस के लिए करते हैं, मीन्स टेंस के लिए, तो कैसे करेंगे? वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। तो ही हैज गॉन टू मार्केट। ये हो गया एडवांस सेंटेंसेस, मीन्स टेंस वाले सेंटेंसेस। तो कौन बाजार गया है? ही हैज गॉन टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर सब्जेक्ट का संबंध डायरेक्ट क्रिया से हो रहा है। हेड का हो जाएगा, हेड में अगर बिना क्रिया वाला बताएंगे तो ही हैड गन, उसके पास बंदूक थी। अगर हम सेंटेंस टेंस वाला करेंगे तो ही हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया था। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से कैन और शुड और मस्ट का है। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस यानी कि बेसिक सेंटेंसेस और एडवांस सेंटेंस यानी कि टेंस वाले सेंटेंसेस में फर्क होता है। तो हमको सबसे पहले हमें ज़रूरी है बेसिक सेंटेंसेस को सीखना। बेसिक सेंटेंसेस अगर आप बनाना सीख गए तो आपको काफ़ी कुछ इंग्लिश बोलने आ जाता है। उसके बाद टेंस शुरू करते हैं तो और भी हमारा पॉलिश हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है, और भी हम अच्छी तरह से बोलने लग जाते हैं। बट बेसिक को सीखो पहले और उसका इस्तेमाल करना सीखो। आप हमारे चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप वन से शुरुआत करो। स्टेप वन का वीडियो खोलो, सारे के सारे वीडियो देखो, क्लास नंबर वन से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर काफ़ी सारे वीडियोस हैं बेसिक के, आप पूरा देख लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पूरा वीडियो अगर शुरू से आप एक वन बाय वन वीडियो करके देखते जाओगे तो आपको बेसिक सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि हम बेसिक का इस्तेमाल लैंग्वेज में बोलचाल करते वक्त हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल सेंटेंसेज में और एडवांस सेंटेंसेज में क्या फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के साथ आप इंग्लिश शुरू कीजिए, डायरेक्ट टेंस शुरू मत कीजिए। टेंस शुरू करेंगे तो इज का इस्तेमाल कहाँ होता है, डू डज का इस्तेमाल कहाँ होता है, हैव हैज का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सब फिर से आपको बताने के लिए बेसिक में ही आना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक सीखिए आप, उसके बाद टेंस सीखिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।